इस नए कॉमिक को अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, फिर एक दो कहानी मैं भी नानी को सुनाऊंगा। ये बोगी जो इतना थरथरा रही थी, कहीं मुझे गिराने का प्लान तो नहीं बना रही थी? डगमगाते बोगी को चकमा देके आया, फिर अनजान शक्लों ने रास्ता दिखाया। सफर की दूरी कितनों को मिलाती थी, साथ चलते चलते पटरियों की भी दोस्ती हो जाती थी। कृपया ध्यान दीजिए, पुणे से चलकर नागपुर जाएंगे। धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही है, ये ट्रेन पापा को छोड़ के क्यों जा रही है? एक मेरा तकिया था जो भरना भूल गया, एक पापा का था जो कुछ ज्यादा ही भूल गया। आधे भरे तकिए ने बीच रात में जगाया, फिर उल्टा उतरूं या सीधा ये समझ में नहीं आया। ये चांद बिना टिकट के कहां तक आएगा? ऐसे तो ये भी नानी के घर पहुंच जाएगा। नाम भी पूछ लिया, पता भी ले लिया, पर उसका फेवरेट कलर तो पूछना ही रह गया। कोई सोया था, कोई बैठा था, कोई लेटा था, कोई खड़ा था। जगह कम थी पर ट्रेन का दिल बहुत बड़ा था।